देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहारनपुर पहुंचे, लेकिन सहारनपुर आने से पहले केशव प्रसाद मौर्य माता शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए पहुंचे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने माता के दर्शन कर गांधी पार्क में महर्षि कश्यप जयंती के आयोजन में पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। माननीय मोदी जी को भारत का और मजबूत प्रधानमंत्री बनाने के लिए, वो तो मजबूत इतने हैं कि दुनिया का कोई अपने को शक्तिशाली राष्ट्र समझता रहा होगा, राष्ट्राध्यक्ष समझता रहा होगा, लेकिन जब छप्पन इंच के सीने वाला हमारा प्रधानमंत्री दुनिया के देशों के जो शासक मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जनसभा को संबोधित करने के बाद सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता में सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। सीमा पर अगर कोई चुनौती आई, चाहे वो पाकिस्तान की सीमा हो, चाहे वो चीन के साथ लगी हुई सीमा हो, मुंहतोड़ जवाब देने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के समय हमारी भारतीय फौज ने दिया। हर बात जिस भाषा में तो समझ रहा था, केवल पाकिस्तान को ही नहीं चीन को भी जिस भाषा में समझ सकता उस भाषा में समझाने के लिए हमारी सेना ने कदम आगे बढ़ाने का काम किया। मैं आप सबको आज यहाँ पर आह्वान करना चाहता हूँ, एकजुट हो, भगवान महर्षि जी के जो वंशज है, भगवान महर्षि जी के प्रति जो आस्था श्रद्धा रखने वाली कोई जाति नहीं है, सारे लोग मिलकर के कुछ मेरे सामने आया करता, कुछ हमारे ऐसे संसद जो अति पिछड़ी जातियों में गिने जाते हैं उनको आरक्षण दिए जाने की बात बहुत दिनों से रही, एक ही बात नहीं। आप भरोसा रखिए कि आपने जो सरकार केंद्र और प्रदेश में बनाई है पूरी ईमानदारी के साथ आपके उत्थान के लिए समर्पित है, आपके विकास के लिए समर्पित है। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ और देश की 125 करोड़ जनता हमारे विकास के केंद्र में, इसे जो मांगे आती है उसको हमारी सरकार गंभीरता से ली है और उसके समाधान के रास्ते भी अंतर्रास्ते का काम कर रहे हैं। हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम विकास की राजनीति करते हैं, हम बांट बंटवारे की राजनीति नहीं करते, हम सबको जोड़ करके सबके जीवन में खुशहाली लाने की राजनीति करते हैं। जो लोग अभी तक केवल हाँ गरीबी हटाओ, गरीबी हटे चाहे ना हटे, लेकिन वो जो लोगों ने गरीबी हटाओ का नारा दिया वो तो अमीर नहीं हो गए, उनकी 100-100 पीढ़ियों का प्रबंध हो गया, लेकिन गरीब मेरा और गरीब हो गया। लेकिन जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, चाहे गरीबों का बैंक का खाता हो, चाहे किसानों की आमदनी की बढ़ोतरी हो, चाहे गरीब माताओं बहनों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कनेक्शन हो, अब उससे एक कदम आगे और बढ़कर के जिन परिवारों को बीमारी का अगर घर में किसी के ऊपर आ गई तो लाखों रुपया का खर्चा कोई गरीब परिवार पूरा नहीं कर सकता था, उसकी भी व्यवस्था माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है कि अब 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी ऐसे गरीब परिवारों को जिनको अपना घर खेत मकान जेवर बेच करके इलाज कराना पड़ता था, उसके लिए बहुत जल्दी अभियान प्रारंभ होने वाला। ये परिवर्तन प्रधानमंत्री इधर आवास योजना में मुझे लगता है कि आवास की योजनाओं का काम इधर लगभग पूरा हुआ है, लेकिन जहां भी कोई गरीब आदमी है गरीब का अपना घर होना चाहिए। अमीर आदमी के घर में शौचालय बहुत अच्छी बात है, लेकिन गरीब आदमी के घर में भी शौचालय होना चाहिए। अमीर आदमी के घर में बिजली बहुत अच्छी बात है, गरीब आदमी के घर में बिजली पहुंचे इसके लिए सौभाग्य योजना शुरू कर दी गई। ऐसी तमाम योजनाएं जिनका वर्णन करूंगा तो बहुत देर लगेगी। देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।